नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र प्रसाद और इस समय आप मेरे चैनल राज फोटोटेक को देख रहे हैं। इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि कैसे सेलेक्ट सब्जेक्ट टूल काम करता है। फोटोशॉप में अगर कुछ सीखना है तो अच्छी तरह सेलेक्शन कैसे किया जाए यह जानना सबसे जरूरी है। फोटोशॉप सीसी में एक नया टूल इस काम करने के लिए जोड़ा गया है, जिसके बारे में जानकर आपको ये होश उड़ जाएंगे। एडोबी ने एक नया कमांड सेलेक्ट सब्जेक्ट विकसित किया है, जिसे उन्होंने फोटोशॉप के 19.1 वर्जन में जनवरी 2018 में रिलीज किया। बिगनर्स फोटोशॉपर के लिए यह टूल महत्वपूर्ण है, जो यह चाहते हैं कि इमेज में मुख्य सब्जेक्ट को कैसे एक ही क्लिक में सेलेक्ट कर लिया जाए, और एडवांस फोटोशॉप यूजर के लिए भी यह बहुत ही समय बचाने वाला है, क्योंकि वे इसे अपने सेलेक्शन शुरू करने में यूज कर सकते हैं और बाद में उसे और रिफाइन कर सकते हैं। यह एक नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाता है, जिसे एडोबी सेंसाई कहते हैं। एडोबी सेंसाई एडोबी द्वारा विकसित एक पावरफुल मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त एक प्रोग्राम है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि यह फीचर कितना इफिशियंट है और हम कैसे इसे अपने वर्कफ्लो में उपयोग में ला सकते हैं। सबसे पहले हम इससे एक आसान सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके देखेंगे, फिर एक कठिन सब्जेक्ट और उसके बाद एनिमल, व्हीकल आदि को सेलेक्ट करेंगे। तो आइए अपनी टेस्टिंग शुरू करते हैं। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के ट्यूटोरियल प्राप्त करने के लिए इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस टूल के परीक्षण के लिए मैंने डेस्कटॉप पर एक इमेज को खोल रखा है। F7 दबाकर लेयर पैनल को पहले खोल लें। अब कंट्रोल प्लस जे प्रेस कर पहले इस इमेज की एक डुप्लीकेट लेयर बना लें। अब टूल बॉक्स में क्विक सेलेक्शन टूल को सेलेक्ट कर लें। टूल ऑप्शन बार में अब आपको सेलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको कोई सेलेक्शन टूल इस्तेमाल नहीं करना है, बस सेलेक्ट सब्जेक्ट को दबा दें। फोटोशॉप कुछ समय लेता है और उसके बाद सब्जेक्ट के चारों तरफ सेलेक्शन आउटलाइन बन जाते हैं और इन सब में 1 मिनट से भी कम समय लगता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? फोटोशॉप ने खुद यह खोजा कि इमेज में सब्जेक्ट कहाँ है और उसे सेलेक्ट कर दिया। आपने कुछ नहीं किया, क्या यह कम बड़ी बात है? आप देख रहे हैं कि सेलेक्शन सही है, केवल कुछ हिस्से में सेलेक्शन को थोड़ा सही करने की जरूरत है। इमेज को जूम करके देखें। सेलेक्शन कपड़ों और सब्जेक्ट के बॉडी पर तो ठीक है, केवल बाल के सेलेक्शन को थोड़ा सा ठीक कर देना है, लेकिन बाल के सेलेक्शन को भी मिनटों में रिफाइन किया जा सकता है। सेलेक्ट सब्जेक्ट बटन के दाहिनी ओर सेलेक्ट और मास्क बटन आपको दिखेगा, इसे प्रेस कर दें। इसका पैनल खुल जाएगा। दाहिनी ओर व्यू में ब्लैक चुन लें, ताकि आप ठीक से देख सके कि इमेज के किस एरिया को रिफाइन की जरूरत है। पैनल के बाईं ओर आपको 6 टूल दिखेंगे, उसमें दूसरा रिफाइन एज ब्रश टूल है, इसे क्लिक करके चुन लें। अब धीरे धीरे इस ब्रश से हेयर के उन एरियाज पर पेंट करें जहां रिफाइनमेंट की जरूरत है। फोटोशॉप थोड़ा समय लेगा और हेयर के सेलेक्शन को सही कर देगा, जैसा कि यहां आप देख रहे हैं। आउटपुट में न्यू लेयर विथ लेयर मास्क सेलेक्ट करें और ओके पर क्लिक कर दें। लेयर पैनल में आपको इमेज और सेलेक्शन मास्क दिखाई देगा। अब कोई बैकग्राउंड की इमेज खोलें और कंट्रोल प्लस ए दबाकर उसे सेलेक्ट करें और कंट्रोल प्लस सी दबाकर उसे कॉपी कर लें। लेयर पैनल में नीचे वाले लेयर पर क्लिक करें और कंट्रोल प्लस भी दबाकर बैकग्राउंड इमेज को वहां पेस्ट कर दें। अब आपको इमेज नए बैकग्राउंड में दिखाई देगी और आपने देखा इन सब काम को करने में मिनट भी नहीं लगे। आइए अब इस टूल को डिफरेंट सब्जेक्ट पर इस्तेमाल कर इसकी शक्ति का अंदाजा लगाएं। इस सब्जेक्ट में बैकग्राउंड प्लेन था। अब एक क्लटर्ड बैकग्राउंड की इमेज खोलकर उस पर इस टूल से सेलेक्ट कर देखते हैं। मैं एक और इमेज खोल रहा हूं। आप देख रहे होंगे
कि इस इमेज में बैकग्राउंड बहुत ही क्लटर्ड है। अब सेलेक्ट सब्जेक्ट बटन को दाबें और आपने देखा इस बार भी इसने काबिले तारीफ काम किया है। हाँ, कुछ एरिया ऐसे हैं जिसे ठीक करने की जरूरत है, पर उसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। अब तीसरा उदाहरण लें। इसमें हम एक ऐसा पोर्ट्रेट ले रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट का ड्रेस भी सफेद है और बैकग्राउंड भी सफेद है। इस हालत में सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना मैन्युअली भी बहुत मुश्किल है। आइए सेलेक्ट सब्जेक्ट को दबाकर देखते हैं और आप देख सकते हैं कि इस मुश्किल तस्वीर को भी इसने आसानी से सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद चिल्ड्रन के एक ग्रुप की तस्वीर को सेलेक्ट करके देखते हैं कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट अगर रहें तो यह उनको किस तरह से सब्जेक्ट करता है या फिर इसे परेशानी होती है। सेलेक्ट सब्जेक्ट को क्लिक करते हैं और हैरानी की बात यह है कि यहां भी यह सफलता से काम कर रहा है। कुछ एरियाज छूटे हैं पर उन्हें क्विक सेलेक्शन टूल से आसानी से सेलेक्ट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि एनिमल को सेलेक्ट करने में यह टूल कितना कारगर है। इसके लिए हम एनिमल के एक पेयर की तस्वीर को खोलते हैं। अब सेलेक्ट सब्जेक्ट बटन को फिर से दाबते हैं और आप देख रहे होंगे कि इसने एनिमल्स को भी सही ढंग से सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद टूल को कंफ्यूज करने के लिए हम एक ऐसी तस्वीर लेते हैं जिसमें इंसान और जानवर दोनों हैं, यानी एक लड़की घोड़े के साथ है। सेलेक्ट सब्जेक्ट बटन को प्रेस कर दें और आप देखेंगे कि यह दोनों को, यानी लड़की को और घोड़े को, दोनों को इसने सेलेक्ट आसानी से कर लिया है। इसलिए इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यह सही तरीके से पहचानता है कि किसी सीन में सब्जेक्ट कौन है। अब आइए एक बाइक की तस्वीर लेते हैं और देखते हैं कि यह इसे सेलेक्ट करता है या नहीं। बाइक की तस्वीर को खोलने के बाद सेलेक्ट सब्जेक्ट बटन को दबाएं और आप देख रहे हैं कि इसने बाइक की तस्वीर को भी आसानी से सेलेक्ट कर लिया है। इसलिए इससे यह जाहिर होता है कि यह नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को भी पहचान सकता है। और अंत में मैंने एक सनसेट की तस्वीर ली है और उसमें लिविंग और नॉन लिविंग कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। देखते हैं कि यह टूल अब क्या करता है। सेलेक्ट सब्जेक्ट को दबाएं और दबाते ही फोटोशॉप लिखता है कि इस लेयर में हमें कोई सब्जेक्ट नहीं मिला। सेलेक्ट सब्जेक्ट इस्तेमाल करने के पहले यह देख लें कि करंट लेयर में कोई सब्जेक्ट है। आश्चर्य है, मैंने यह नहीं सोचा था कि यह टूल इतना इंटेलिजेंट है। अगली बार इनिशियल सेलेक्शन के लिए मैं इसी टूल का इस्तेमाल करूंगा और शायद आप भी ऐसा ही करेंगे। अब मुझे आज्ञा दें, अगले ट्यूटोरियल में फिर आपसे मुलाकात होगी। आपका दिन मंगलमय हो। आशा है ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकॉन को दबा दें। इस अंक में इतना ही। अब नए वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। गुड बाय फॉर नाउ।